Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Insta. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस हम सुनो चंदा ड्रामे के एपिसोड 28 पर पहुंच चुके हैं और 27 एपिसोड तक हम खत्म कर चुके हैं। काफी मजा आ रहा है गाइस, काफी एक्साइटिंग, मतलब काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है ड्रामा। और आज हम एपिसोड 28 पर रिएक्शन देने वाले। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जलाल खान मर जाएगा मगर अपनी जबान से पीछे नहीं हटेगा। जलाल भाई जन रहन दो, तुसी ना लाओ खूब छाल है, ऐवी कोई हड्डी वड्डी टूट जानी, मरना मुन्ना नहीं है, जाके ना मंजी पे पड़ जाएंगे आप। तुम क्या लाल पंखा लेकर घूमता फिरता है? असल में ना इस घर में जो लोग हैं ना उनके जज्बात बहुत भड़क रहे हैं, उनको ठंडा करने के लिए लाई हूँ मैं पंखा, लोड शेडिंग हो रही है इसलिए। ऊपर से बी जान ने ना मत मारी है। मेरी माने ना तो आप अपने लिए कोई नया फ्लैट स्लैट देख ले, क्या पता कब घर खाली करना पड़ जाए। दूर फिटे मुंह तेरा बिल्लो बांध रही है, शक्ल अच्छी ना हो ना तो बंदा गल चंगी कर लेता है। और मुझे अच्छी तरह पता है ये बी जान को हमारे खिलाफ कौन मत्थे दे रहा है। मेरा लेवल इतना लो नहीं। तेरा जो लेवल है ना वो मुझे पता है, आसमान को तू टाकी लगा के आती है भाई। अल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम चाची। हाय चाची किथे रह गए मरण जोगा जो जी, रात तक तुसी सानू से आपा पाया होया है, प्रेम कैसे खराब हो गया? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं चाची आपको नहीं कह रही, वो ना मैं किसी और से कॉल कर रही थी। अच्छा रखती हूँ चाची, बाद में बात करती, खुदा हाफिज। आप दोनों की अगर घटिया डायलॉग बाजियां खत्म हो गई हो तो रात से कंधा लगा के बैठी, बाहर निकले तो बंदा को सलाम मशवरा कर ले हैं। तो जाओ, हमने तुमको रोका क्या? चलो जा रही हूँ मैं, आराम से जरा। तो जाओ, इधर बार बार आपसे पक पक टक टक क्यों करते हैं? तो जा रही हूँ, जा रही हूँ। मेरी बात जैसे वो फॉरन मान जाएंगी, क्या बात करूँ मैं? उसका फोन आ गया। हेलो सलीम साहब, शादी हॉल? हाँ हाँ आएंगे, दे दूंगा मैं रात में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जमशेद भाई, बबीजान से को भरता करे, वो स्टेट गढ़ देखने आते हैं। क्यों क्यों क्यों? बीजान ये घर बेचकर पिशावर जाएगा, हम उसे रखेगा अपने साथ, दामाद बेटा बनकर दिखाएगा। जलाल भाई जन रहन दो, तुसी पहले इंसान बन के तो दिखा लो। तुम्हारा मुंह से ये बात अच्छा नहीं लगता। लेकिन बीजान ये घर कैसे सेल कर सकती हैं? कैसे नहीं सेल कर सकता, ये घर उसके नाम है, वो ये घर बेचकर बड़ा सा घर खरीदेगा पिशावर में हमारे और मासूमा के साथ रहने के लिए। हम करेंगे। तुम लोगों के लिए लालूखेत में दो मकान पसंद किया हमने, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो इधर से। अच्छा जमशेद भाई, इसको बोले जल्दी से पर्दा करे। राम से बात करे मेरे साथ, आप दुपट्टा लो। अरे ये ड्रामा, सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है जिया। अम्मा हमने थोड़ी बीजान को मशवरा दिया था घर बेचने का, लेकिन तुम दोनों की वजह से ये सब कर रही है ना, तो फिर आप भाई घर इतना बड़ा घर है ये, लेकिन हम दोनों क्या करें? मैं बताती हूँ, जैसे ही ये मसला हल होता है मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। तो जाने निकाल देती है। सारे घर को वक्ता डाला हुआ है, सारे फसाद की जड़ तू और वो मनहूस चाम चुड़ैल जिया है। घर में क्यों, ये जो पूरे मुल्क में मसले चल रहे हैं कहते वो भी हमारी वजह से है। ज्यादा बकवास ना मेरे साथ, मैंने ना तेरे घोड़े कटे सेक देने। अम्मा बीजान का गुस्सा अब हमारे पे उतारी जा रही है, इसलिए कि बीजान और आगा जी को ना चाबियां भरने वाले तुम दोनों मनहूस हो, ऐसे गंदे तरक्के मशवरे और कोई दे ही नहीं सकता। रखा बीजान ने पैर ब्रेक के ऊपर के नहीं, कुछ बात हुई कि नहीं? इस वक्त तो वो अपनी सगी औलाद को पहचानने से भी इनकारी हैं। अब्बा जान की रूह आ गई है उनके अंदर। हेलो, हाँ चाची नगीना। हाय चाची नगीना, की हो गया? नहीं आया जो जी, आएगा तो मैं खुद बकल्लम खुद आपको फोन करके बताऊंगी। थोड़ा सा लो ते मेनू भी लेन दियो। खुदा हाफिज़।
और इससे को अपनी शक्ल गुम करे, कहीं ऐसा ना हो एक आध टांग मैं तोड़ दूं फसादी की। ये साइड भी लेती है उसकी, ये गुद कुछ भी बोलता है। सांप बनकर बैठे हुए हैं जमशेद भाई और पूरे घर पर कब्जा किया है बीजान ने। बीच में हम न तीन में न तेरह में, ये सब मिलकर हमारे साथ बहुत सख्त ज्यादती कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात आपको पता है क्या है निजामुद्दीन? पता है आपको क्या क्या? इन सबको कोई एहसास नहीं है हमारा। मैं बेटी का बाप जरूर हूँ लेकिन लेकिन अब इतना भी मजबूर नहीं हूँ। तो बताएं करना क्या है? ट्रेड एजेंसी वाले से बात की है मैंने। ठीक है, घर तो मिल जाएगा रेंट पर, तो आगे खर्चा कैसे करेंगे? अपना हिस्सा लूंगा इनसे, एक एक चीज का हिसाब लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। नए सिरे से सारी चीजें सेट करने में बहुत वक्त लगता है नजाकत। अजिया की शादी करनी है और फिर डीजे की पढ़ाई, कैसे करेंगे सब कुछ? डिस्पेंसरी खोल लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना है ना। डिस्पेंसरी खोल लेंगे। दिमाग फट रहा है, मुझे लगता है मैं भी आपकी तरह बीमार हो जाऊंगी। टेंशन नहीं लो, बहुत मेडिसिन है मेरे पास, मिलकर खाएंगे और मिलकर लड़ेंगे इनसे। मिलकर खाएंगे मिलकर लड़ेंगे। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बस करें ना बीजान, जलाल भी सुबह शाम मुझे बस जलील ही कर रहे हैं। तुमसे वो भला मानस अकलमंद निकला जिसे मैंने सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाया। मुझे तो शहाना ने बहकाया था, आपको तो पता है मेरी तो कभी बनती भी नहीं थी शहाना से। बीजान गेम खेल रही है भाई। बेटा नाम तुम्हारा मासूमा जरूर है लेकिन तुम मासूम हो नहीं, सब जानते हो। छोड़े ना, क्या बाकी में घर बेच रही है? हाँ, तुम्हारा ख्याल मजाक कर रही हूँ मैं, लेकिन ये तो अबा जी मरहूम की आखिरी निशानी है। जब तुम्हारे बाप के आखिरी फैसले का कोई एहतराम नहीं तो आखिरी निशानी रख कर क्या करोगे? सही कह रही है। बस मैंने तो फैसला कर लिया। तुम्हारे घर वाले पागल तो नहीं हो गए जिया? यार मुझे नहीं पता, लेकिन अब्बा ने तो अना का मसला ही बना दिया इसे। तो क्या वाकई वो ये घर छोड़ देंगे? पता नहीं, लेकिन लग तो मुझे ऐसे ही कुछ रहा है। जिया अगर मेरी मानो तो तुम साफ साफ जाकर सब बता दो उनको। क्या? यही जिया कि तुम अरसल के बगैर नहीं रह सकती। सुन लिया उसने तो। ये शादी किसी हाल में नहीं होगी। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? जो गुस्से में नाक फुलाती हो, मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को। अरसल कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल पाव पोला लगते हो। यही तुम्हारी बुरी आदत है, हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। ठीक है, इतना ही बुरा लगता हूँ ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? शर्म नहीं आती तुम्हें अरसल? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? बेवा हो जाओगी। सच मुझ रूमा में अब अरसल के बगैर नहीं रह सकती। पूरी कहानी सुनने में कभी दिमाग में ये ख्याल आता है तो मेरा सांस घुटने लगता है यार। लेकिन मुझे ये बात पता है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं जितना भी चाहूं, मैं अप्पा को ये बात नहीं बता सकूंगी।
तो फिर तुम क्या करोगे यार? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें अरसल ना हो? ऐसा तुम यार बहुत बड़े बोल है ये। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें लगता है मैं अरसल के बगैर एक भी दिन गुजार सकती हूँ? कहानी पूरी जिंदगी यार जो होगा अब नसीब में, या तो उसके साथ रहना या तो फिर मर जाना। बहुत बड़ी बात कह दी। जमशेद साहब मैं कह रही हूँ कि आप लोग ना मिसाके जमहूरियत कर लें बी जान के नाथ, इसके अलावा कोई हाल नहीं नजर आ रहा मुझे। नहीं माँ के साथ तुम माफी मांग लोगी? हाय कदी भी नहीं। रुखसती करा दोगी जिया की? सवाल ही नहीं पैदा होता। खुल जाओ ये मिसाके जमहूरियत को। ए, तो फिर ये जो कट्टा खुल गया ये अब कैसे बांधूंगा? जाहिर है तुम लो जी जेड़ा बोले ओई कुंडा खोले। तुम्हारी कजन को अगवा कर लिया किसी ने कराची में। अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो, अल्लाह करे किसी ने मार के ना बोरी में बांध करके समंदर में सुट दिया हो। नाम क्या से आये जोजी? भाई गेम तो बीजान खेल रही है गाइस। बीजान ने टेंशन दे रखी है सबको, सबको टेंशन दे रखी है, उन्हीं की वजह से अब फजात हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ, ये घर वाले तो टेंशन में आ गए, टेंशन उसी की है। जिया की मां ने सुन ली है हाँ। कि वो प्यार उसको मतलब पूरी कहानी पता चल गई एक हाँ। तरीके से कि मेरी बेटी क्या सोचती है अब वही समझाएगी, वो खुला के पेपर क्यों वापस लिए इसने, अब सब समझ जाएंगे। तो सब समझ गए, वो अपने हस्बैंड को बताएगी ऐसे ऐसे है। तो अब देखते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, क्योंकि उसकी माँ को पता चल गया है। हाँ, ये और यार ये जोजी एक तो पता नहीं कौन है, ये जोजी आए पता चले क्या है, चाची है जो नगीना चाची पता नहीं। तो भाई देखते हैं, नाम एक तो अजीब है, नगीना चाची और एक वो जोजी क्या सा नाम है ये, पता नहीं कौन आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। गाइस वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।